अस्सलाम वालेकुम, बुरी खबर है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए। वैसे तो बेचारे आदि हो गए होंगे डिपार्टमेंट्स, लेकिन डिपार्टमेंट्सों से बड़ी बात जो है डिपार्टमेंट्स से वो उन हज़ारों क्रिकेटर्स की है, उन सैकड़ों क्रिकेटर्स की है, उनके जो साथ जुड़े हुए अहले खाना की है, उनके हज़ारों घरों के चूल्हे ठंडे होने जा रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्रिकेट बोर्ड ज़िद पर अड़ा हुआ है कि उसने ये काम करवाना ही करवाना है। आज वापडा हाउस लाहौर में मुजम्मिल साहब की सरबराही में, जो टास्क फोर्स के सरबराह हैं, मीटिंग हुई डिपार्टमेंट्स की, जिसमें 8 जो फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने शिरकत की और 14 के करीब ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स थे उनके जो है नुमाइंदों ने शिरकत की। बहुत ज़्यादा जो है वो प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। आप देखें कि इसमें अब्दुल कादिर, जो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद नहीं होना चाहिए, उनको बुलाया ही नहीं गया, उनके डिपार्टमेंट के हेड को बुला लिया गया, उनको भी ऑन बोर्ड लें, वो स्टेक होल्डर हैं, फिर एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, आप उनको किस तरह इग्नोर कर सकते हैं सिर्फ इस खौफ से कि वो आएंगे और वो इसकी मुखालफत करेंगे। तो बहरहाल 2.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही, तकरीबन 2:30 बजे मीटिंग शुरू हुई और 5:15 बजे तक मीटिंग जारी रही। तो डिपार्टमेंट्स ने इसकी सख्ती से मुखालफत किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं बंद होनी चाहिए, लेकिन टास्क फोर्स वो जो है अपनी जिद पे कायम है और वो लैपटॉप के जो है बादशाह, मैं तो उनको बादशाह ही लैपटॉप का कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हालांकि इतनी अच्छी क्रिकेट, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने बेहतर खेली, लेकिन अब तो वो लैपटॉप पे क्रिकेट खेलते हैं। हारून रशीद साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उस पर दिखा दिए। और बड़ी मज़े की बात है, डिपार्टमेंट्स को एक लॉलीपॉप दिया गया है। आज लॉलीपॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर इस सूरत हाल में यही लफ्ज़ सूट होता है। उसमें उनको कहा गया है कि जी आप असल में रीजन जो है ना, वहाँ करप्शन हो रही है, रीजन में करप्शन हो रही है, हम उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट उनके केयर टेकर बन जाए। तो फार्मूला उन्होंने ये पेश किया है कि जी 2 डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और 2 रीजन्स के नुमाइंदे मिलकर फिर एक रीजन को चलाएं, उनमें आपके क्रिकेटर भी जो है वो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या मामला जो है ना वो उनको ख्वाब दिखाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फ्रंट फुट पर रहे, उन्होंने अपनी आंखें खोली हुई थी, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हमें ये प्रपोजल किसी सूरत में कबूल नहीं है। और क्योंकि इकबाल कासिम साहब जो नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स हेड भी हैं, वो इस मामले को मतलब इसलिए उनकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिकेट की सर्विसेज उनके लिए मतलब उन्होंने अंजाम दिया पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, बतौर खिलाड़ी, बतौर चीफ सेलेक्टर, जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अच्छा काम किया। तो उन्होंने भी जो है इसकी मुखालफत की, साथ ही एक तजवीज़ भी उन्होंने दी, उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर आपने पर तोल ही लिए हैं, आपने फैसला कर ही लिया है, आपने इस फैसले से हटना नहीं है, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खुदारा बंद ना करें, इसको आप फर्स्ट क्लास नहीं खिलाना चाहते ना खिलाएं, आप जो है ना उसको ग्रेड 2 में शिफ्ट कर दें और जो है वनडे कप भी खेलने की इजाज़त दी है डिपार्टमेंट को। साथ ही दूसरी तजवीज़ भी इस मीटिंग में दी गई और वो ये तजवीज़ थी कि रीजन्स के टूर्नामेंट अलग करवा दें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलग करवा लें, जैसे माजी में भी होती रही है। तो इस तरीके से अगर आप समझते हैं कि रीजन्स की प्रोडक्ट ऊपर आएगी तो रीजन्स की प्रोडक्ट भी ऊपर आ जाएगी और डिपार्टमेंटल को भी जो है वो अपना सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। और ये असल में डिपार्टमेंट्स के सर्वाइवल का इशू नहीं है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट की आप टीम बंद कर देंगे तो उसको क्या नुकसान है, उसको कोई नुकसान नहीं है। असल नुकसान तो उसके स्टेक होल्डर्स का है, उन क्रिकेटर्स का है जो बेचारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं या खेल भी चुके हैं तो अब उनको दोबारा मौका नहीं मिल पा रहा, या जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनके घरों के चूल्हे जलते हैं, उनको कौन नौकरी देगा। क्रिकेट के लिए उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती तो ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तो ये एक बाइज्जत जो है वो रोज़गार था उनका, लेकिन अब वो चूल्हे ठंडे होंगे जाहिर है। कौन, आप मुझे बताएं ना कि अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बंद हो जाए, कौन सा डिपार्टमेंट घर बिठा के लड़कों को सैलरी देगा, नहीं देगा। या अगर कोई डिपार्टमेंट लड़कों को कैरी करेगा वो कहेगा भाई साहब आप आके अब ड्यूटी दें, तो उस बेचारे की तो क्रिकेट पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहरहाल अब हमारे आपके बोलने से या जो लोग इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके कानों पे जूं तक रेंगेगी क्योंकि ये फैसला कर चुके हैं। इसमें जो आपको और बात बताऊँ कि ये रीजन्स के लिए भी आई ओपनर है कि आपके साथ एक दिन बाद ये लोग मिलेंगे, फिर आपको पता नहीं क्या लॉलीपॉप पहनाएंगे, क्या आपको कहेंगे। फिलहाल इन्होंने डिपार्टमेंट्स को ये कहा कि रीजन्स में करप्शन हो रही है, उस करप्शन को डिपार्टमेंट्स रोक सकते हैं जब डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सवाल ये बनता है कि रीजन्स के पास कितने पैसे आप रीजन्स को देते हैं जो रीजन्स वाले करप्शन कर रहे हैं। अब आपको मैं एक मिसाल दूँ कि कराची में गुज़िश्ता साल PSL का फाइनल हुआ, तकरीबन 14 करोड़ रुपये उसकी गेट मनी आई,
अगर आपने उस 14 करोड़ रुपए में से स्टेक होल्डर तो कराची था, कराची रीजन था, आपने उसको पैसे दिए होते तो कराची रीजन अपने पाँव पे खड़ा होता, आपने उसको पैसे नहीं दिए। इसी तरीके से आप बाकी जगहों पे देख लें, वहाँ पर करप्शन तो भाई कुछ अर्सा पहले शबीर अहमद टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है वो एक आवाज़ बुलंद की थी कि भाई 200 रुपये का रक्षा जो रस्सा है वो 2000 रुपये का दिखाया जाता है। तो असल करप्शन तो जहाँ से हो रही है वहाँ आप नहीं कर रहे, आप रीजन पर ये बात कर रहे हैं कि रीजन जो है वो करप्शन कर रही है। तो इस मामले को बहुत संजीदगी से जो है देखने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद माशाल्लाह बड़े खिलाड़ी भी रहे, वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे, उनको इसमें जो आगे बढ़ के मामले को देखना पड़ेगा कि अगर डिपार्टमेंट्स बंद हो गए तो इन लोगों की रोज़गार का क्या होगा, इन क्रिकेटर्स के रोज़गार का क्या होगा। दूसरी जानब अगर बात करें, ऐसा नहीं लगता कि जब लोगों के पास रोज़गार ही नहीं होगा तो वो चोर रास्तों की तरफ जाएंगे? क्रिकेट में हम क्या परवान चढ़ाना चाह रहे हैं? हमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देने की ज़रूरत है। अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान का मामला है। रीजन से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, आई ओपनर है आपके लिए, आप पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने नहीं लगाए, जो है ना इस मुतालिक आपकी बातें हुई हैं, तो देख लें फिर आगे आपका ही फैसला है। अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई तो रीजन सर्वाइव नहीं कर सकेंगे।